जी हम इस वक्त मौजूद हैं इंटरनेशनल बड़ा मार्केट सदर पर। यहाँ के बारे में मशहूर है कि अच्छी क्वालिटी की ब्रांडेड अशिया जो है वो यहाँ पर सस्ते दामों में फ़रोख की जाती हैं। इस बात में कितनी हकीकत है, इसी को जानने के लिए हम यहाँ पर आज मौजूद हैं। तो अंदर चलेंगे और देखेंगे कि किस क्वालिटी की अशिया मौजूद हैं और उनकी कीमतें क्या क्या हैं। ये पेयर होते हैं 350 के। 350 रुपए का पेयर है? पेयर है वो तो। अच्छा, ये बायर क्या है वैसे, प्राइस होगा इसका अंदाजन? बायर ये कम से कम जो आप दुकान में लेना चाहोगे ना तो 500-550 का होता है। 550 कम से कम। स्टील के अंदर बना हुआ है ऊपर? स्टील का ऊपर है, अंदर से शीशे स्टेनलेस स्टील में। ये 12 घंटे टाइमिंग होता है इसका, गर्म और ठंडे का। ठीक है, ये 1200 का होता है। 1200 जी? 1200। क्या आइडिया है, क्या रेट होगा बायर इसका? बायर कम से कम 1800-1900-2000 रुपए का होता है। कम से कम रेट 1800 होता है। ठीक है, अच्छा क्वालिटी में फ़र्क होता है। अच्छा, ये ग्लास के सेट जो है वो थोड़ा सा इसका बताइएगा। ग्लास के ये सेट 6 का सेट है? 6 का सेट है, 500 रुपए का होता है। 500 रुपए का जी, अलग अलग क्वालिटी का होता है। ठीक है, परफ्यूम वगैरह जो पड़े हैं इनके भी प्राइस बताइएगा। 350 के होते हैं ये। 350 पर पीस? पर पीस 350। लॉन्ग लास्टिंग होते हैं ये। कितनी लास्टिंग होगी अंदाजन? तकरीबन 7-8 घंटे। 7-8 घंटे होगी। हाँ, लेडीज़ होते हैं। ठीक है, और ये सारे ब्रांडेड हैं? ब्रांडेड है, इसके अपना ब्रांड लिखा हुआ है डब्बे के ऊपर, बॉक्स के ऊपर सारे लिखा हुआ। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि ये इसकी एक्सपायरी जरा हम चेक कर लेते हैं ना। एक्सपायर तो नहीं होते? नहीं, एक्सपायर नहीं होते, नए होते हैं, फ्रेश है। ठीक है, एक्सपायरी डेट इसका यहाँ होता है। ये देखो, अगर यहाँ से खुल जाते हैं ना तो इसका जो टाइमिंग होता है। हाँ, ये बार कोड से मेरे ख्याल से 36 महीने वगैरह दिखाते हैं। हाँ, ये 500 रुपये का है सेट है, 3D ये। जैसे हाँ 3D, ये जो मेबलिन वाले पड़े हुए ये रेट 200 होते हैं, 200 रुपए। पील ऑफ है या सादे वाले? सादे वाले परमानेंट होते हैं, फ्रेश पीस होते हैं। हमारे भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो है वो किसी तरीके नहीं इस्तेमाल नहीं, नहीं स्क्रैप का नहीं, फ्रेश पीस आते हैं हमारे और हम फ्रेश पीस बेचते हैं। इसमें ये स्किन का मसला होता है ना, ये स्किन पे लगाते हैं तो फ्रेश चीज़ लाते हैं, फ्रेश चीज़ बेचते हैं। ठीक है, अच्छा ये मुझे ये बताएं कि देखें आम दुकानों पे तो जो जाती हैं ख़वातीन तो उनको जो है वो चॉइस का बड़ा मसला होता है, कभी कोई चीज़ देख लेती हैं, घर ले आती हैं, पसंद नहीं आती तो वो एक्सचेंज करा लेते हैं। हाँ, एक्सचेंज करा लेते हैं, वैसे वापसी नहीं कराते, एक्सचेंज करा लेते हैं। सामान हमारे खुश अरसा से भी मिलता है, बाज लोग ऐसे होता है कि वो डायरेक्ट शिमन बॉर्डर से खुद लाता है। हाँ, नशरशाह से मिलता है हमारे पास, डब्बा पैक मिलता है, ऐसे लोंडे वाला भी मिलता है, ये कांच वाला सामान ये लोंडे वाला भी मिलता है, लेकिन हमारे पास फ्रेश हम लाता है, शरशाह से भी लाता है, डायरेक्ट शिमन से भी हम मंगवाते हैं। तो वो लेंडे वाले भी आप यहीं पे रख के बेचते हैं या वो वहाँ का कहीं? नहीं, वो उसके अपने स्टॉल है, वो आप स्टॉल वाला बेचते हैं। हाँ, ए मार्केट में बहुत सारे उस स्टॉल वाला है, बेचते हैं। हाँ ना, सब के आधे से भी हमारे पास ये इम्पोर्टेड चाकू, इसके साथ पाना चाकू सब कुछ आता है, पेचकश सब कुछ इसमें आता है। हाँ क्यों नहीं, ये देखो ये पाना है, इसमें पाना है, ये चाकू है, इसमें ये सब कुछ चीज़ें है, पेचकश है, सब कुछ है इसमें। ये 5-6-7 पीस है इसमें ना। ये मार्केट में 2-3 हज़ार रुपये के मिलता है, लेकिन हमारे पास ये 1000 रुपये का है। हाँ, ये इम्पोर्टेड है, इसमें आता है कि इसमें फलास चाकू सब कुछ चीज़ें है इसमें नहीं है, ये फलास है। हाँ, इसमें चाकू पेचकश सब कुछ चीज़ें इसमें है ना, ये देखो ये इम्पोर्टेड चाकू, ये बाज़ार में 3-4 हज़ार रुपये के मिलता है, हमारे पास 1500 रुपये का है। ये दूरबीन है हमारे पास, ये वाला दूरबीन ये मार्केट में 50-60 हज़ार रुपये का मिलता है, हमारे पास इधर 20 हज़ार रुपये का है ओरिजिनल। हाँ हाँ ना, ये 50 किलोमीटर के फसले में जो है ना, 50 किलोमीटर। हाँ, 50 किलोमीटर। हाँ, वारंटी देता है इधर, चेकिंग वारंटी देता है हम। हाँ ना, ये टाइमिक्स, ये जो जूसर होता है ये हमारे पास इधर हम 5000 रुपये का बेचते हैं मार्केट में, ये 15-10 हज़ार रुपये का ये होता है, ये विटामिक जूसर नहीं है ये वाला। हाँ, 9-in-1 है ये। 9-in-1 में इसमें 10-in-1 आता है, 11-in-1 आता है, 2-in-1 होता है, 3-in-1, 4-in-1। हेयर स्ट्रेटनर वगैरह आपने यहाँ पर लगाए हैं? हाँ, स्ट्रेटनर, ये स्ट्रेटनर हमारे पास ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें अलग अलग प्राइस का है ना, ये महंगा से महंगा वाला इसमें 1500 रुपये का, लेकिन मार्केट में ये 4-5 हज़ार रुपये का होता है। मार्केट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो है वो इंतहाई मयारी अशिया जी जी कम कीमत पर दस्तयाब हैं और मार्केट से जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क भी है, आप क्या इसके बारे में कहेंगे? हमारा मार्केट जो है ना, ये जो मार्केट है ये गरीबों के लिए है, यहाँ पर कम से कम ये मार्केटों में जो रेट होता है यहाँ से आधे से भी कम यहाँ पर रेट होते हैं,
यहाँ पे सारा और लोग आते हैं जो गरीब मरीब होते हैं, लेकिन उसको ये बाहर से आते हैं, ये ओरिजिनल ओरिजिनल चीज़ें वो लेते हैं, लेकिन ये हमारा मार्केट सारा गरीबों के लिए है, लेकिन आधे से भी आधा रेट पे दे रहे हैं। टूटा फूटा जो आते थे ना वो पहले आते थे, अभी जो है ना ये अभी सारा ओरिजिनल माल आ रहा है, लेकिन ये सारा मार्केट में जो है ना सारा डब्बा पैक सामान है, सब जो है ना फ्रेश आ रहा है। अभी जो पहले आते थे वो टूटा फूटा था, वो नहीं बिकता था। और ये शेरशाह से होता है जी, क्वालिटी गोदाम से, वो क्वालिटी गोदाम में भी होता है, लेकिन थोड़ा सा 19-20 भी होता है पीछे वाले साइड पे। पीछे से वैसे माल कहाँ से आता है ये? पीछे हम जर्मनी से भी आ रहे हैं, चाइना से भी आ रहे हैं, तुर्की से भी आ रहे हैं, ज़्यादातर जो है ना माल जो है ना सारा जर्मनी से आ रहा है। हम लोग यहाँ से इस तरह सस्ते में दे रहे हैं, हम लोग जो है ना इसका टैक्स नहीं भरते हैं। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान जो टैक्स लेता है ये बगैर ड्यूटी वाला माल है, इस पर कोई ड्यूटी व्यूटी नहीं होता। अभी कोई चीज़ होता है ना, जैसे हमारे पास स्पीकर हो गया, जूसर हो गया, वो जब पाकिस्तान का ड्यूटी लग जाता है वही जूसर 8,000 रुपये का होते हैं, जब हमारा पास आते हैं 2,500-2,000 रुपये का होते हैं, वो बगैर ड्यूटी का होता है। ठीक है, स्पीकर जो है कि इसकी क्वालिटी जो है ब्रांडेड तो लग रहा है, चार्ज 4 के नाम से स्पीकर है, ये JBL के नाम से। क्या इसका JBL इसका ब्रांड है, क्या रेट क्या होगा इसका? इसका रेट है 800 रुपये का। तो मार्केट के अंदर कितना कंपेयर? मार्केट में रेट कम से कम अगर ये फ्रेश लेगा तो 12,000 रुपये का है। 12,000 रुपये का जी। इस तरह ये शेविंग मशीन है मार्केटों में 1,500-2,000 रुपये का सेल करते हैं, वो भी 1,999 रुपये का, लेकिन हमारा पास 800 रुपये का है। ठीक है, ये केमी ओरिजिनल होगी? केमी 100% ओरिजिनल है, ये जितने भी ब्रांड्स लिखे हैं सारे ओरिजिनल होंगे, 100% ओरिजिनल होगा जी। लेकिन जैसा ये एयरपोर्ट से ये मेड इन जापान का है, सही है, लेकिन ये बगैर ड्यूटी का है, लेकिन हमारा पास 3,000 रुपये का है। 3,000 और ये अगर आप दुकान से लोगे 35,000-40,000, क्योंकि वो लोग टैक्स भरते हैं, हम लोग टैक्स नहीं भरते। हाँ, और 100% ओरिजिनल ये रहे, मेड इन जापान, इसके अंदर भी जापान लिखा होगा, लेकिन हमारे पास चाइना वाला भी होता है, वो 2,000 रुपये का, 1,800-2,000 रुपये का है। जिस तरह ये है, ये स्पीकर है कोलियर स्पीकर, इसका नेट में फ्रेश चेक करो, कोलियर स्पीकर S818, इसका फ्रेश चेक करो, ये 14,000 रुपये का है, लेकिन हमारा पास यहाँ पे 2,000 रुपये का है। ये सारा मुख्तलिफ मतलब हल्के हल्के रेट में जी जी वायरलेस स्पीकर ब्लूटूथ, और ये एफिल का ओरिजिनल एंड फ्री है, विदाउट ब्लूटूथ वाला डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, लेकिन 7 और 8 का है और 350 रुपये का। इसका सब अलग अलग प्राइस है, ये नेशनल वाला है 3-in-1 में, ये 2,500 रुपये का है। ये मसाले पिसने का, रायते का, जूस का ये उसके लिए होता है, ये प्रोफेशनल है मास्टर वाला, ये पत्थर भी डालो ना तो पाउडर बना देगा, सही। वो 3,000 रुपये का, मार्केट रेट 7,999 रुपये का है, होल सेल रेट है इसका। ये इंजुलेनो आ गया, 100% ओरिजिनल है, लेकिन 4,500 रुपये का है, मार्केट रेट 12,000 का है। एंटीक किस्म की जो है वो आपने चीज़ें रखी हुई हैं, थोड़ा सा प्राइस वगैरह इनके बताएं, ये सारा सेट है ये पूरा या अलग अलग बेचते हैं सब? नहीं, ये अलग अलग प्राइस है सबका, अलग अलग सेट नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ प्राइस है। अगर ये लंदन आई की बात करें तो ये क्या रेट होगा इसमें? ये छोटा वाला जो है ना 900 रुपए का, बड़ा वाला 1,800 रुपए है। किस चीज का बना हुआ ये? मेटल का बना, मेटल का बना हुआ है। और ये काला वगैरह तो नहीं होता? नहीं नहीं, काला नहीं। अच्छा, इसी तरह बाकी सबके भी इसी तरह मुख्तलिफ प्राइस है सब मुख्तलिफ। ईफल टावर जो छोटा वाला पड़ा हुआ है इसके प्राइस? इसके 200 रुपए छोटा वाला, ये 1,700। इसमें मार्केट में जो है ना इसमें इतना फर्क नहीं होता है, 300-400 रुपये का फर्क होता है। ये 9,500 की 2 पीस, मार्केट में मिलता है 11,500-12,000 इतना का मिलता है। जो आपने हाथ में पकड़ी हुई है इसके जरा प्राइस तो बताएं हमें। यार इसका प्राइस जो है 1,000 रुपये। 1,000 रुपये जी, ये बहुत वो वाला है, अमेरिकन वाला है। ये जो है शीशम की लकड़ी लगी हुई है? ये शीशम का लकड़ी है, बाकी ये जो है सिल्वर का है। अच्छा, और खींचने में जो है बहुत मजबूत है, बहुत ज़बरदस्त है, इतना आपका ताकत है आप खींच सकते हो ये। सही, तो ये सामान वगैरह ये ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी फौज वगैरह का सामान, आर्मी का सामान? तो ये अक्सर चीज़ें जो है कंटेनर के माल में जो नेटवर्क है, सही, फौज का है, और जो है ज़बरदस्त, हाँ वही इस्तेमाल होता है। पीछे से सोर्स क्या है इसका? ये बॉर्डर से आ रहा है हमारा सर जी, सारा बॉर्डर का माल है वहाँ से आ रहा है। अच्छा, ये घड़ियाँ वगैरह आपने बड़ी एंटीक और ब्रांडेड किस्म की लगाई हुई है, सारी ओरिजिनल होंगी? नहीं, इसमें जो है मास्टर कॉपी है। मास्टर कॉपी, हाँ, ओरिजिनल जो इसमें कम है, थोड़ा सा आइडिया दें। लेकिन रेट मुख्तलिफ मुख्तलिफ है, मार्केट में रेट 8,000-9,000 रुपये तक तो है, चलता है 9,000 तक, चलता है 12,000। अभी ये घड़ी जो है हमारा पास ये भी तकरीबन मास्टर कॉपी में 6,000-6,500 इसका इधर जो है रेट है। और ये है
रिटेल में बस यही रेट है इसका जो मैंने बता दिया आपको, 6-6.5 तक। बड़े बड़े मार्केटों में इसका रेट और भी ज़्यादा है, ज़्यादा होगा, तकरीबन 12,000 तक भी है, 9,000 तक भी है। फिर ये आम खास गड़ी है, ये वाला है, और ये इधर मिल जाएगा 500-450, ये इसका रेट है 500-450। और इसके साथ जो है फिर ये ओरिजिनल पट्टे में जो आता है, ये पट्टा जो है इसका बिल्कुल ओरिजिनल है, मास्टर का है, ये 1500-1200-1300 रुपये। ये लेदर होता है? हाँ ये लेदर है, ओरिजिनल है बिल्कुल। रेट है 500। हाँ जबरदस्त खुशबू है। और ये एक्सपायर वगैरह तो नहीं होते? नहीं नहीं, डब्बा पैक है। हाँ एक्सपायरी डेट फ्रेश पीस। इसका प्राइस इसका 800 रुपये, इसका 1000 रुपये प्राइस। बार ये 2000 रुपये का मतलब मिलेगा, 1800 रुपये में ये 1500 रुपये के मिलेगा। नहीं ब्रांडेड वाला है, अच्छा वाला है। हाँ पानी वाला भी, इसमें पानी के बगैर भी है, इसमें इस स्त्री भी पड़ा हुआ, इसे 5 साल वारंटी है, मतलब 1800-1500 में रहता है हम लोग। कंपनी का वो गारंटी है, हाँ यहाँ पे कंपनी का है बस, वो कंपनी में जाएगा तो खुद बनाए। अलग अलग दाम है पानी वाला का, पानी वाला का 2000 है, 1500 रुपये। हाँ वो ये वाला है पानी वाला, ये वाला है पानी वाला बार 2000, 2500, 2200, 3000 अलग अभी इसका है, 3000 रुपये बार रेट चल रहा है इसका। इसका 1000 रुपये रेट है, 1000 बार मिल जाएगा इंशाल्लाह 2000 रुपये का। हाँ 13000 एम एच। हाँ हाँ मतलब ये 800-800 रुपये के 3 मोबाइल इंशाल्लाह ताला फुल कर दे, 3 मोबाइल। हाँ इंशाल्लाह। नहीं 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 खराब चीज़ नहीं देता है, इधर चेक करके देता है। फिर चेक आप एक दफ़ा करवा देते हैं तो उसके बाद जो है वो क्लेम करते हैं, अगर कस्टमर ले कि भाई ये तो चेंज करवाता है। हाँ हाँ चेंज करवाता है, उसका वो मसला नहीं है। 200 रुपये का रेट होगा इंशाल्लाह। हाँ 200 रुपये का बार इंशाल्लाह 450-450 रुपये 500 तक मिलेगा। 5 चार्जर है, 5 चार्जर है 250 रुपये का। हाँ 3-in-1 3 मोबाइल है, 3 मोबाइल चल। ये आईफोन का केबल है, ये वाला 100 का, ये वाला 150 रुपये का, अच्छा वाला केबल है, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी। नाज़रीन ये आज यहाँ पर हमने जो एक्सप्लोर किया मार्केट, यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। हमने मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने ऐसी भी चीज़ें यहाँ पर देखी हैं जिनका मुशाहिदा मैंने शायद ज़िंदगी में पहली बार किया है, और बड़ी एंटीक किस्म की वैरायटी और बड़ी यूनिक चीज़ें यहाँ पर हमने देखी हैं। प्राइस इंतहाई मुनासिब देखे हैं, और लोग यहाँ पर जो है वो बड़े राग़िब हैं, यहाँ पर लोग सामान ख़रीद भी रहे हैं, ख़रीदार को भी हमने देखा कि वो बाकायदा सामान यहाँ पर लोग ख़रीद भी रहे हैं। और जिस तरह एक दुकानदार ने जो है वो मेंशन भी किया था कि ये जो मार्केट है ये ख़ास तौर पर गरीबों के लिए मार्केट है, क्योंकि अमीर आदमी जो है वो तो अफोर्ड कर सकता है आउटलेट से ख़रीदना, ब्रांड्स की स्टोर्स पे जाकर ख़रीदना, और ऑनलाइन जो है वो बाहर से कहीं से मंगवा लेना, लेकिन गरीब आदमी जो है जिसकी भी चाहत होती होगी, ऑनलाइन का ज़माना है नाज़रीन, एक आदमी जो है वो अपने मोबाइल के अंदर कोई चीज़ देखता होगा और उसको ख़रीदने का दिल करता होगा, उसके प्राइस वहाँ पर वो देखता होगा तो यकीनन प्राइस को सुनकर जो है वो बैक करता होगा। और गरीब आदमी ज़ाहिर सी बात है मुतवसत तबके का आदमी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो गरीब कैसे अफोर्ड कर सकेगा। लेकिन यहाँ पर हमने देखा पब्लिक का रुझान है, लोग आ रहे हैं, खुशी खुशी चीज़ें ख़रीद भी रहे हैं, दुकानदार भी खुश हैं, और वो हमें दुकानदारों ने बहुत सारों ने ये बताया कि यहाँ पर जो सामान है सबसे बड़ी अच्छी चीज़ जो मुझे दुकानदारों की ये लगी कि वो जो है वो कस्टमर को रिलैक्सेशन देते हैं, सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं चेंज करवाने की, एक्सचेंज कर देते हैं अगर कोई चीज़ सामान इस तरह का निकल आता है कि वो ख़राब हो रहा है। जिस तरह बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमने देखे कि वो इस तरह के होते हैं कि बाज़ औक़ात वो ख़राब निकल आते हैं, तो उनको एक्सचेंज करने की वारंटी और सिक्योरिटी फराहम करते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर हमने देखा है कि प्राइस जो है वो इंतहाई कलील हैं, और मार्केट से काफ़ी डिफरेंस के साथ जो है वो यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं। कैमरामैन ज़िशान शेख के साथ मोहम्मद साद असलम, राह न्यूज़ कराची।